भारत में कोरोना संक्रमण की अत्यंत चिंताजनक स्थिति है। लोग घबराए हुए हैं। इसके आरंभ से ही सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर कई घरेलू उपचार और स्वयं परीक्षण के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्ट फेफड़ों में ऑक्सीजन के स्तर को नापकर आपको कोरोना हुआ है या नहीं इसकी जांच होने का दावा कर रहा है। इस वीडियो में 20 सेकंड से अधिक समय तक अपनी सांस रोक कर रखने को कहा गया है। वीडियो के अनुसार यदि कोई अपनी सांस को लंबे समय तक रोक सकता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति कोरोना वायरस से मुक्त है। उसमें ऐसा बताया गया है कि अपने फेफड़ों के ऑक्सीजन लेवल को जांचिए। यदि आप बिंदु ए से बी तक सांस रोक लेते हैं तो आप कोरोना से मुक्त। फैक्ट क्रिसेंडो ने जांच और अभ्यास के पश्चात पाया कि ऐसे सांस रोक कर देखने से ये वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित नहीं हो सकता कि किसी को कोरोना संक्रमण हुआ है या नहीं। हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर जाकर इस वायरल मैसेज से संबंधित उपाय के बारे में कीवर्ड सर्च किया और देखा कि ऐसे गलत दावे गत वर्ष कोरोना आरंभ होने के समय से ही किए गए हैं। इसी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक स्पष्टीकरण जारी किया जिसमें साफ बताया गया है कि कुछ सेकंड या उससे अधिक समय अपनी सांस रोक पाने में सक्षम होने का मतलब ये नहीं कि आप कोरोना वायरस बीमारी या फेफड़ों की कोई अन्य बीमारी से मुक्त है। और अधिक खोज के पश्चात हमने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉक्टर फहीम यूनुस का एक ओपिनियन मिला जिसमें वे स्पष्ट रूप से वायरल हो रहे दावों को खारिज करते हैं। पिछले साल उन्होंने ये कहते हुए ट्वीट किया था कि कोरोना वायरस वाले अधिकांश युवक कुछ सेकंड से अधिक समय तक अपनी सांस रोक पाएंगे और वायरस के बिना भी कोई बुजुर्ग ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। किसी भी जांच से ये कभी नहीं समझ सकता कि आप कोरोना वायरस से मुक्त है या संक्रमित है। फैक्ट क्रिसेंडो ने कोलकाता के फोर्टिस हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर राजा धर से संपर्क किया जिन्होंने हमें बताया कि ये वायरल पोस्ट का दावा बिल्कुल झूठ है। एक एसिम्प्टोमेटिक COVID-19 रोगी भी लंबे समय तक सांस रोक सकता है, इसलिए ये परीक्षण गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश अनुसार कोरोना वायरस की जांच के लिए वर्तमान स्थिति में 3 प्रकार के परीक्षण किए जा रहे हैं, RT-PCR टेस्टिंग, एंटीजन परीक्षण और तीसरा प्रकार शरीर के भीतर पता लगाना कि एंटीबॉडी तैयार हुई है या नहीं। सांस रोक पाने की क्षमता अलग अलग व्यक्ति की आयु, स्टैमिना और तंदुरुस्ती पर निर्भर अलग अलग होती है, इसलिए ऐसे जांच के पश्चात हमने इस वायरल पोस्ट को गलत पाया है। ये तकनीक किसी भी तरीके से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है और ये कोरोना टेस्ट नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी पोस्ट का फैक्ट चेक कराने के लिए आप उसको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।